आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अतुल आप सभी का अन अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 300 MCQs की ये जो सीरीज़ है ये हम लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस को किया था, ओके। और आज हम और भी कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सो माय नेम इज अतुल कुमार सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल सेशन। स्टार्ट करेंगे, तब तक कि आप अपने इस सेशन की लिंक को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ में, है ना, अपने भाई बहनों के साथ में जिनके भी साथ आप पढ़ करके बैठ करके पढ़ाई करते हैं, ताकि इस सेशन को हम स्टार्ट कर सकें। और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रूबी, कैसे हो आप, ताकि इस सेशन को हम स्टार्ट कर सकें, है ना। जल्दी से आप इस सेशन की लिंक को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ में। देखिए, अगर मैं इस करंट अफेयर्स के सेशन की बात करूँ तो ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट तो करंट का ही रहता है ना, तो आप ये मान के चलिए कि हर एक एग्जाम के लिए आपके आपको ये बेनिफिट देगा, ठीक है। चलो एक बार फिर से, है ना, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये एमसीक्यूज फॉर्म में है ना। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सितंबर 2023 में जीएसटी कितना करोड़ रुपए एकत्र किया गया, ठीक है। जीएसटी से कितना टैक्स एकत्र किया गया आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, आप बताइए क्या होगा आंसर, ठीक है। मैं भी बढ़िया हूँ बेटा, चलो बढ़िया होना भी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जिन लोगों को शायद मुझे लग रहा पता तो होगा ही, बट फिर भी अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो जीएसटी का मतलब क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, यानी कि 1,62,712 करोड़, है ना, इतना टोटल रुपए जो है वो कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अब मतलब ये है, अब हो सकता है आपको डाउट हो रहा कि सेंट्रल ने कलेक्ट किया है या स्टेट ने कलेक्ट किया, तो दोनों ने ही, सेंट्रल और स्टेट दोनों ने ही सितंबर 2023 में टोटल 1,62,712 करोड़ रुपए जीएसटी के थ्रू कलेक्ट किया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने 14 अक्टूबर को मैरीलैंड उत्तरी अमेरिका में भारत के बाहर स्पेस की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया। देखो अभी न्यूज में आपने देखा होगा कि मोदी जी ने, है ना, कि एक न्यूज में अभी आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली ही है कि बाहर किसी प्रतिमा का अनावरण किया गया है ना। तो कौन ऐसा था जिसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को पता भी होगा, है ना। सारे के सारे लोग जल्दी से आंसर करेंगे इसका, जल्दी से आंसर कीजिएगा। B.R. अंबेडकर, रूबी, बहुत बढ़िया, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, B.R. अंबेडकर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में अपने नवीनतम रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 3304 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अब देखो, हो सकता है आपको नाम से कुछ इसमें समझ में आ रहा हो, है ना, नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा हो कि यहां पर किसकी बात हो रही, कि कौन से देश की बात हो रही है। जिस देश ने अभी अभी रिसेंटली क्या किया है, एक सैटेलाइट लॉन्च की, ठीक है, क्या, याओगन, याओगन 3304, 3304 चाइना, हाँ ये वही है जिन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है ना। तो चाइना की अगर आप इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है, बीजिंग हो जाती है। ना और अगर इसकी हम करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी आप सभी लोगों को पता, युआन है, ठीक है। और ये हो गई आपकी कैपिटल, ये हो गई करेंसी, और इसके प्रेसिडेंट काफी ज्यादा पॉपुलर भी रहते हैं ना, चर्चित रहते हैं ज्यादातर, खासकर पाकिस्तान से सुर्खियां जब भी होती हैं या जब भी वाद विवाद होता है अमेरिका के साथ में या रशिया के साथ में, तो काफी चर्चित ये रहते हैं, हालांकि वैसे भी ये चर्चा में ही रहते हैं, ठीक है। तो कौन है ये, शी जिनपिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने सामरिक अभ्यास साझा करने के लिए उप पारंपरिक अभियानों को पूरा करने में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से मेघालय के उमरोई में 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास शुरू किया, संप्राप्ति संप्रिप्ति अभ्यास, और कौन सा होगा ये, 11वां, ठीक है।
तो ये शुरू किया किस देश के साथ में, भारत ने और किस देश ने साथ में ये अभ्यास शुरू किया, संप्रीति ये जो अभ्यास है ये किसने शुरू किया। और अगर मैं आपको अभी इसके अगर मैं इसका क्लू दूं तो ये मैं ये कह सकता हूं कि अभी चल रहा है वर्ल्ड कप आपका, है ना। तो अभी एक टाइम आउट हुआ था, है ना। टाइम आउट का मतलब ऐसा टाइम आउट नहीं, ब्रेक वाला टाइम आउट नहीं, मतलब एक प्लेयर टाइम आउट हो गया था, है ना। तो उसके अगेंस्ट में जो टीम थी उसी देश का, वही आंसर होगा यहाँ पर, सिंगापुर या तंजानिया। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश के साथ में इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, बांग्लादेश। अब अगर देखो आप बांग्लादेश की बात करो तो बांग्लादेश के बारे में मुझे लग रहा है आपको सब कुछ पता होगा, है ना। इसकी करेंसी की बात करो तो क्या है, टका। अगर आप इसके कैपिटल की बात करते हैं तो ढाका, है ना। और अगर आप इसके पीएम की बात करते हैं तो पीएम भी काफ़ी चर्चा में रहती हैं, है ना। तो इनका नाम बताना है आपको, हसीना मान जाइए, एक मूवी भी आई थी। चलो एक, हाँ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना है। नौसेना के जो डिप्टी चीफ हैं उनको, हसीना, बहुत बढ़िया, उपनिषद करियर एकेडमी। हाँ जी, चलिए आगे बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, नौसेना स्टाफ के जो डिप्टी चीफ हैं किसको नियुक्त किया गया है। नहीं आई किसी का आंसर, तो तरुण सोपती जी जो हैं इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है, डिप्टी चीफ के रूप में। पंकज कुमार सिंह नहीं, ये कौन है, ये तरुण सोपती जी हैं, ठीक है, तरुण सोपती। अच्छा, तो आपको मुझे ये बताना है, एक क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कि एडिशनल डायरेक्टर सीबीआई के कौन है, सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर कौन है, आपको ये बताना है। ये चैट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, होमवर्क रहेगा ये आपका, ठीक है। रूम पे रहते हो तो रूमवर्क कर लो, अगर आप घर पे रहते हो तो होमवर्क कर लेना, ठीक है। क्या बताना है, सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर को आपको बताना है कि ये कौन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है, फिर से किसे नियुक्त किया गया है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, मतलब पहले भी यही थे, है ना। अगर बात की जा रही है कि फिर से किसे नियुक्त किया गया, इसका मतलब पहले भी यही थे, है ना। चलिए बताइएगा, सॉल्व हुआ, हुआ किसी से, नहीं हुआ। तो अगर इनकी बात की जाए तो ये कौन है, हमारे अमित अग्रवाल जी हैं, पहले भी ये सीईओ थे किसके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये UIDAI का फुल फॉर्म है, कभी कभी ये भी एब्रिविएशन भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ UIDAI, ये इसके क्या है, सीईओ फिर से बनाएंगे, मतलब पहले भी यही थे, है ना। अच्छा, कल मैंने एक चीज डिस्कस की थी, है ना ब्रो, ये मैं मजाक में पढ़ रहा हूँ, है ना, सीरियसली मत लेना इसको, ठीक है, मजाक में मैंने इसको मैंने बोला था, ठीक है। तो कल जब इसको मैं पढ़ा रहा था, हाँ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे अगर याद है तो आपको बताना है डायरेक्टर जनरल कौन है किसके, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, ब्रो के, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है, सॉरी डिप्टी जनरल, ठीक है, अमित अग्रवाल, है ना। चलो ये आप, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, गणित में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे
शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब देखो रामानुजम जी जो थे, है ना, मतलब उनके बारे में क्या ही कहा जाए। तो उन्हीं के नाम पर ये एक पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब गणित के क्षेत्र में कोई मतलब मैथ से रिलेटेड कुछ अच्छा करता है ना, कुछ यूनिक करता है, तो उसके लिए दिया जाता है। सो हु विल बी अवार्डेड फॉर द शास्त्र रामानुजम, शास्त्र रामानुजम प्राइज 2023 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स। बताइए। हुआ आंसर समझ में आया? चलिए, अच्छा ये है कहाँ के, एक बार के लिए आप ये भी आप समझ सकते हैं। अभी हम इस देश के बारे में चर्चा भी कर चुके हैं, है ना, अगर आपको ए, हाँ बिल्कुल, रुक्सियांग जांग, ये हैं, है ना। इनको गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए शास्त्र रामानुजम पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोंगी जी बावेंदी लुई ई, अच्छा आज पता है आज जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं आपके, है ना, जो अभी आपका एशियन गेम हुए थे, है ना, उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं लेकर के आया हूँ। आप ये समझ लीजिए कि 90% जो क्वेश्चंस हैं, है ना, 90% क्वेश्चंस वो उसी के हैं, ठीक है। तो बामेंदी लुई ई ब्रूस एंड अलेक्सी आई एकिमो को किस प्रयोग के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आपको ये बताना है। अच्छा अभी रिसेंटली दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी किसी को दिया गया था, अगर याद है किसी को तो वो भी बता दे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी किसी को दिया गया था, है ना, याद है? नहीं याद है? वहीदा रहमान जी को, है ना, अभी दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। अमिताभ बच्चन जी को ई बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से ये बताएं। तो यहां पर मोंगी जी बावेंदी लुई ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो, इन सभी को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किस लिए? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण किया है, इस वजह से, ठीक है। किसके लिए इन्होंने मिल रहा है इनको, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत की अन्नू रानी ने हांगजो, हांगजो ये कहाँ है, चीन में, है ना, जहां पर अभी आपके एशियन गेम हुए थे, है ना। भारत की अन्नू रानी ने हांगजो में एशियाई खेलों में 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। ये जो स्वर्ण पदक जीता है, आपको ये पता करना वह किस खेल से संबंधित है, आपसे ये कहा था, ये पूछा है कि किस खेल से संबंधित है, भारत की अन्नू रानी किस खेल से संबंधित है, बताइए। डी जैवलिन थ्रो, वुशु। अच्छा देखो अभी भारत के नीरज चोपड़ा आप जानते होंगे, मुझे लग रहा है उनके बारे में, है ना, तो जिस खेल से वो हैं उसी खेल से ये भी हैं, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, जैवलिन थ्रो, शॉट पुट नहीं, जैवलिन थ्रो, है ना। अन्नू रानी किससे रिलेटेड है, जैवलिन से, और इन्होंने भी क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए स्पेस को वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। अब अच्छा इससे आसान तो मुझे मतलब लगता नहीं कि इससे आसान कोई आपका क्वेश्चन हो पाएगा, आज जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इससे आसान तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं लगता है कि क्या होगा, है ना। आपने देखा भी होगा जब मैच स्टार्ट हो रहा था सबसे पहले कौन आया था, आपने देखा था ना सबसे पहले कौन आया था, बहुत से लोग पैर भी छू रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट के विश्व कप 2023 के लिए किसको वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया था? देखो महेंद्र सिंह धोनी नाम बहुत बड़ा है, नो डाउट, है ना,
राहुल द्रविड़ भी बहुत बड़ा नाम है, चेतन शर्मा ये भी बहुत बड़ा नाम है, सचिन तेंदुलकर, ये सारे के सारे अपने आप में बहुत बड़े नाम है। लेकिन ऐसा कौन है मतलब कि आपको हर किसी का कोई ना कोई, आप ये कह सकते हो सचिन, सचिन है ना। हाँ तो सचिन तेंदुलकर है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सचिन तेंदुलकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने क्या किया था, वैश्विक राजदूत कह लो या ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। देखो नाम तो सारे के सारे बहुत बड़े हैं लेकिन इनसे बड़ा कोई नाम नहीं है मुझे लगता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय खिलाड़ी ज्योति सुरेखा वेन्नाम और प्रवीण ओजस देवताले ने एशियाई खेलों में 2023 में मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको बताना है ज्योति और प्रवीण किस खेल से संबंधित हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइएगा कि ज्योति और प्रवीण किस खेल से संबंधित हैं, आपको ये बता करना है। और चलो एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता हूं है ना, इनके नाम से ही रिलेटेड है ना, इनके नाम से ही रिलेटेड मतलब इनका नाम कह लो कि उसके लिए आपको ज्योति की जरूरत पड़ेगी, प्रवीण ज्योति की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हो सकता है। प्रवीण ज्योति का मतलब मतलब तेज आंख है ना, आप ऐसे कह सकते हो। तो टेनिस में क्या इतनी आपको शार्प लाइक आपको बहुत ज्यादा दिखना है ऐसा कुछ जरूरत है। हाँ जरूरत देखो हर एक खेल के लिए है बहुत ज्यादा जरूरी कि आपकी आंखें बहुत अच्छी हों, लेकिन कुछ ऐसे जैसे आपका, अब अगर मैं बोल ही दूंगा तो आप आंसर बता दोगे, मतलब फिलहाल आप इतना समझ लो जो निशानेबाजी वाले कोई भी आपके गेम होते हैं उनमें आपकी आंखें हो अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बेसिकली यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके तो थोड़ा सा आपको इंटरप्शन होगा है ना लाइट का, ठीक है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। एक मिनट यहाँ आर्चरी, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस टीम ने ईरानी कप 2023 जीता। आपको बताना है कि ईरानी कप 2023 किस टीम ने जीता। ईरानी कप 2023 किस टीम ने जीता। एक्चुअली बात ये है ना कि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है ना, इस वजह से लाइट चली गई है। अच्छा आप ये बताओ ईरानी कप रिलेटेड किससे है, ईरानी कप रिलेटेड किससे है। तो ये रिलेटेड है क्रिकेट से, ठीक है किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने ये जीता था अभी है ना, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लगाव रखता हूँ तो इसलिए मुझे इसके बारे में पता है अच्छे से कि रेस्ट ऑफ इंडिया ने ये जो है ये जीता था। और हराया किसको था, रूबी आपने जो आंसर बताया ना बेटा उसको हराया था, सौराष्ट्र को इन्होंने हराया था, और वो भी कितने रनों से हराया था इन्होंने, 175 रनों से सौराष्ट्र को हरा करके रेस्ट ऑफ इंडिया ने ये ईरानी कप अपने नाम किया था। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों में 2023 में स्पेस थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। अब देखो एशियन गेम में भी नीरज चोपड़ा ने जीता था है ना, तो आपको ये बताना है कि कितने मीटर के थ्रो में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता था, बताइए। ए नहीं एक्चुअली ये है 8888 मतलब कि 88.88 मीटर्स, ठीक है 88.88 मीटर्स, ठीक है मुझे लग रहा है आपको याद रहेगा और ये भूलेंगे नहीं आप कभी भी। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, और ये तो अगर भूल जाओ तो मैं तो कहूंगा मुझे नहीं लगता कि कोई भूलेगा।
है ना? सभी को पता होगा इसका आंसर। चलो, तो नहीं पता है क्या? किसी का आंसर नहीं आया? फा क्या ही बोलूं मैं फिर। तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसके लिए ये बेसिकली डेडिकेटेड रहता है? 5 अक्टूबर जो टीचर्स हैं, है ना, उनके लिए डेडिकेटेड रहता है। और अब की बार की जो थीम थी, ठीक है, अब की बार की जो थीम थी, वो थीम भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब की बार की जो थीम थी वो क्या थी। ठीक है, क्या था? द टीचर्स, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वॉन्ट। ठीक है, 5 अक्टूबर में कंफ्यूज थे, लेकिन यहां पर तो एक ही है ना, 5 अक्टूबर ही है, सितंबर तो यहां ही नहीं है, इसलिए और आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। किस बैंक ने, विच बैंक हैज लॉन्च अ मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस टू इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस? किस बैंक ने पहुंच और सुविधा में सुधार के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये बेसिकली ऐसी बैंक है आपकी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, गवर्नमेंट को बहुत पसंद है, लोगों को भी बहुत पसंद, लोग उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, है ना? तो मुझे पता है कि आप येस बैंक के साथ में नहीं जाएंगे क्योंकि लोग इसको पसंद नहीं करते, ना ही तो लोगों का ट्रस्ट है जब से ये बैंकरप्ट हुए, है ना, आप ये ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये तो देखो मैंने आपको बताया भी था, कल भी मैंने ये बताया था कि हाल ही में किसको भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है, ये मैंने बताया भी, कल भी मैंने बताया था। जल्दी से आंसर बताएंगे। बी रूबी का आंसर है मुनीश कुमार कपूर। हाँ बिल्कुल सही, मुनीश कपूर। अगले क्वेश्चन है, किसे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि GIC और CMD के रूप में इन्हें चुना गया है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में जिन्हें चुना गया है वो कौन है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? बताइए। नहीं, मैं शेयर तो करता हूँ ग्रुप पे, रूबी आपने देखा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। ये इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी कल बताया था, है ना, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी कल बताया था। और इनका नाम भी मैंने बताया था, सी सी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, सो रामास्वामी एन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अच्छा, इससे रिलेटेड एक आपका बैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास, है ना, आपको बताना है MD एंड CEO, किसके MD एंड CEO आपको बताना है?
साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है आपको ये बताना है, ठीक है? ये आपको आपको क्या करना है, अभी आपको नहीं बताना है, ये आपको चैट बॉक्स में कमेंट कर देना है। क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है ये जो मैंने आपसे पूछा है, तो आपको कमेंट कर देना है, ठीक है? और जैसे इच्छाधारी नहीं होता है, ऐसे इसी से रिलेटेड इनके नाम में आपको कुछ मिलेगा, है ना? जो एमडी एंड सीईओ हैं साउथ इंडियन बैंक के, आपको इच्छाधारी से रिलेटेड, इच्छाधारी मतलब आप समझ सकते हो, इसी से रिलेटेड कुछ आपको इनके नाम में मिलेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जॉन फास को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो अकथनी को आवाज देते हैं, वह किस देश से हैं? जॉन फॉस हैज बीन अवार्डेड फॉर द 2023 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू अनसेबल, ही इज फ्रॉम विच कंट्री, आपको ये बताना है। हेलो प्रीति जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि ये आपके जॉन फॉस है, ये किस कंट्री से? फिनलैंड से हैं। बेसिकली ये कहाँ से रिलेटेड हैं? ये नॉर्वे से रिलेटेड हैं, ठीक है? कहाँ के हैं ये? नॉर्वे के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? हु हैज बीन अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज फॉर 2023, 2023 के नोबल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, आपको ये बताना है। हाँ, तब सफाई तो भाई करना पड़ेगा। सफाई तो जरूरी है। डी, नहीं, नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, इनको 2023 के शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। भारतीय पुरुष टीम केनान चेनाई, जोरावर सिंह संधू एंड पृथ्वीराज दोईन्दामन ने एशियाई खेलों में 2023 में स्वर्ण पदक जीता, ये किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना है यहाँ पर। हाँ, मैंने भी बहुत की है, बहुत मेहनत की है। अभी लाइट वगैरह लगाना बाकी है, अभी क्लास इंड होगी, उसके बाद में लाइट वगैरह भी लगाना है, और मुझे लग रहा है आप लोग भी तैयारी तो कर ही रहे हैं, अच्छे से करिए। बताइएगा ये किससे संबंधित है? केनान चेनई, जोरावर सिंह संधू, पृथ्वीराज दोईन्दामन। देखो, आप इन दोनों को भले ना जानते हो, लेकिन मुझे लग रहा है जोरावर सिंह संधू, इनको तो आप जानते ही होंगे, तो अगर इनको जानते हैं कि ये किस खेल से रिलेटेड हैं, तो फिर आप बता सकते हैं आसानी से, है ना? बताइए। आया किसी का आंसर? नहीं आया। चैट डिसकनेक्टेड। चलो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये बेसिकली शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है? किससे रिलेटेड है ये? शूटिंग से। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हांगजो में एशियाई खेलों 2023 में महिला मुक्केबाजी के किस वर्ग में भारत की प्रीति पवार ने कांस्य पदक जीता है? अब देखो, एक चीज यहां पर आपको अच्छे से समझना है, प्रीति पवार, ये हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए किस गेम से रिलेटेड है, तो ये मुक्केबाजी से रिलेटेड है, ठीक है? इन्होंने क्या किया, 2023 में स्वर्ण पदक, सॉरी 2023 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है? मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपको बताना कैटेगरी कौन सी थी इनकी, मतलब कि कौन से, 45 kg की कैटेगरी थी, 48 kg की थी, 50 kg की थी, या 54 kg की थी, आपको ये बताना है, ठीक है? इंटरनेट का कुछ इशू हो रहा है मुझे लग रहा है।
ऑडिबल एंड विजिबल हूँ मैं आप लोगों को? ठीक है, और सेशन को लाइक करते चलिएगा सभी लोग, ठीक है? जितने भी लोग लाइव हैं लाइक करते चलिएगा। तो ये बेसिकली ये 54 kg की कैटेगरी थी, इससे रिलेटेड है, ठीक है? प्रीति पवार 48 kg की कैटेगरी, 54 kg की कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में पाकिस्तान को 3-0 से हराकर किस देश ने SAFF Under-19 चैंपियनशिप जीती है? आपको ये बता करना है, ठीक है? विच कंट्री हैज वॉन द SAFF Under-19 चैंपियनशिप आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान 3-0 एट द दशरथ रंगशाला स्टेडियम इन काठमांडू? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और ये बेसिकली मतलब ऐसा देश है कि जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती रहती है, तो जल्दी से बताइएगा। क्या होगा इसका आंसर? तो ये है हमारा अपना प्यारा भारत, है ना? हमारा प्यारा भारत, इंडिया। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, यहां पर क्या कह रहा है कि अहिका मुखर्जी, अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने एशियाई खेलों में 2023 में किस खेल में महिला युगल में कांस्य पदक जीता है? आपको ये पता करना है, ठीक है? किस खेल में इन्होंने, जो सुतीर्था मुखर्जी हैं और अहिका मुखर्जी हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? आपको ये बताना है। जिन भी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है? और शेयर भी करते रहिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी करते रहें इसको, ठीक है? हाँ कमेंट मुझे लेट से, मैं कहा ना कि कुछ प्रॉब्लम है शायद, है ना, इसलिए मुझे कमेंट लेट से मिल रहे हैं। तो हाँ करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस, ठीक है? टेबल टेनिस से रिलेटेड है दोनों मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। एथलीट शी हेलन 2 मिनट से भी कम समय में एक स्लैक लाइन पर 100 मीटर चलते हैं और विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं, तो वह किस देश से संबंधित है? एथलीट हैं कौन? शी हैकलिन, ठीक है? इन्होंने क्या किया, 100 मीटर से भी 2 मिनट में 100 मीटर से भी कम, सॉरी 2 मिनट से भी कम समय लगा इनको, है ना? 2 मिनट से भी कम समय में इन्होंने कितना, 100 मीटर स्लैक लाइन पर ये चले, तो इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, तो आपको बताना है ये किस देश से संबंधित है? रशियन, बहुत बढ़िया, जो कि गलत आंसर है। करेक्ट आंसर क्या होगा? चाइना, ठीक है? चाइना से है। देखो नाम ये ऐसे आप नाम समझो, चाइना या जापान के नाम होते हैं ज्यादातर, है ना? शाम शून शेन शान, ये सब जिनमें होता है ना, ज्यादातर आपको चाइना या जापान में मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? अब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराया था, जल्दी से बताइए। ये मतलब इनको हरा करके ना बड़ा अच्छा लगता है हर किसी को, कोई भी कुछ भी हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है इनको हरा करके, तो मुझे पता है अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो आपका ध्यान कहां पर जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं इनको हरा कर बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है बहुत से लोगों का ध्यान जाएगा पाकिस्तान पे, बट एक्चुअली पाकिस्तान नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये ऐसा एक देश है ना जो आप ये समझो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये, है ना? हर एक चीज़ में ये बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए इनको हरा करके इंडिया जीती, तो ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? और इसी के साथ साथ में ना इन्होंने एक जगह, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जगह पर अपनी जगह भी पक्की की है, ठीक है? नहीं, जापान, जापानी लोग है ना, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। अर्जुन सिंह और सुनील सिंह ने एशियाई खेलों 2023 में पुरुषों की डोंगी डबल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, आपको बताना है। तो कौन सी कैटेगरी, 100 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर, आपको ये बताना है।
बताएं। ओके सो सी बी है, बी 1000, 1000 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस खेल की मिश्रित युगल स्पर्धा में दीपिका पल्लिकल, ये तो बहुत पॉपुलर नाम है, और हरिंदर पाल संधू ने फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये मुझे मुझे लगता है दीपिका पल्लिकल जी, इनका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप लोग इनको जानते भी होंगे, है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सही आएगा मुझे उम्मीद है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। रूबी नहीं आए किसी का आंसर, तो नहीं है, चलो कोई नहीं, तो फिलहाल करेक्ट आंसर क्या होगा, स्क्वैश। ठीक है, दीपिका पल्लिकल जी किससे रिलेटेड है, स्क्वैश से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य एशियाई खेलों 2023 में स्वर्ण जीतने वाले पुरुषों की 400 मीटर रिले स्पर्धा का टीम का हिस्सा नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द मीन्स 4x 4 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, यानी कि आप इसको क्या कहते हो, 1600 मीटर रिले इवेंट टीम दैट वोन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023, कौन इसका हिस्सा नहीं था, बताओ। अमोज, जैकब, ये नहीं थे, है ना, या अनस जी नहीं थे, या राजेश जी नहीं थे, या अजमल जी नहीं थे, या पृथ्वीराज, ये नहीं थे, कौन नहीं था, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नहीं देखो, आंसर्स अगर आपको पता रहते हैं ना तो मैं थोड़ा सा हट जाऊं क्या, क्योंकि देखो आंसर्स अगर आपको पता है तो आंसर तो करना चाहिए ना, आंसर नहीं करोगे फिर कैसे पता चलेगा कि सही है या गलत है। बी ए है ना, क्योंकि पृथ्वीराज जी ये तो थे ही, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, है ना, ये तो थे ही, इनका नाम तो आपने अभी क्वेश्चंस में भी पढ़ा था, तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या, ये तो थे ही, बाकी ये चारों नहीं थे, ये चारों हिस्सा नहीं थे, तो ए होगा आपका करेक्ट आंसर। क्या बोला है यहाँ पर, टीम का हिस्सा नहीं था, हाँ हिस्सा नहीं था, है ना, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने किस कबड्डी टीम को हराकर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, बहुत सारे स्वर्ण पदक आए थे। अच्छा ये बताओ कि टोटल इंडिया ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, कितने गोल्ड मेडल जीते थे, ये आपका चौथा क्वेश्चन आई थिंक होगा, जो कि आपको होमवर्क में, मतलब कि आपको चेकबॉक्स में टाइप करना है क्लास एंड होने के बाद में। ठीक है, इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे एशियन गेम्स में, ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है, पहली बार जो गेम शामिल किया गया है ना, ऐसा कौन सा गेम था इंडिया का, कौन सी टीम थी इंडिया की जिसने पहली बार यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता, और चलो मैं सीधे से नाम बोल देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको बताना है, क्या क्रिकेट एशियन गेम में हुआ था, और हुआ था तो कौन सा मेडल क्रिकेट की टीम लेकर के आई या नहीं लाई, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चाइनीज ताइपेई। ठीक है, सॉरी चीनी, आप इसको बोल सकते हैं चीनी ताइपी, चाइनीज ताइपी या चाइनीज ताइपी, आप जो भी आपको बोले। नो, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने चीन के हांगजो में एशियाई खेलों में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, आपको बताना है किससे रिलेटेड है, इंडिया ज्योति सुरेखा वेनम। ठीक है, ये बताना है आपको कि किस खेल से रिलेटेड है ये, और बेसिकली इस क्वेश्चन का वही आंसर है जो भी आपने कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन का आंसर दिया था, है ना, वही आंसर है, ज्योति डी, बहुत बढ़िया, आर्चरी से रिलेटेड है ये, है ना। भारतीय पहलवान सोनम मलिक ने
सोनम मलिक भी पॉपुलर है, इनका भी नाम आपने सुना होगा। 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की फ्री स्टाइल स्पेस श्रेणी में कांस्य पदक जीता। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्या है कि हो सकता है आपसे कभी कभी ये भी पूछ ले कि ये कौन से नंबर की इवेंट थी, है ना, कौन सा एडिशन था। तो ये 19th एडिशन था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 18th एडिशन वगैरह इस टाइप से दे दिया जाए, तो वो गलत है, 19th एडिशन होगा। ठीक है, आपको पता करना है कि ये जो सोनम मलिक जी हैं, इन्होंने किस कैटेगरी में महिलाओं के फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता था, यानी कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 62। बहुत बढ़िया रूपी। हाँ नहीं, कंफ्यूज मत रहो बेटा, है ना, अगर आपको आंसर आते तो आप कंफर्म बताया करो, है ना, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन मार्क करके करने की जरूरत नहीं, ठीक है। विश्व कपास दिवस हर साल कब मनाया जाता है आपको ये बताना है, वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है आपको ये बताना है, वर्ल्ड कॉटन डे। तो इसमें देखो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे। आगे बढ़ते हैं, विश्व मुस्कान दिवस कब मनाया, ये तो बहुत जरूरी दिन है ना, ये दिन बहुत जरूरी है, तो आपको बता, हाँ आपको बताना है कि ये कब मनाया जाता है। अच्छा आज दिन अच्छा है ना, आज दिन तो बहुत अच्छा है। नहीं तो करेक्ट आंसर आज, नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा था आज दिन अच्छा है, फर्स्ट फ्राइडे, आज फ्राइडे ही तो है, फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, क्योंकि एक ही तो फ्राइडे आपको यहां पर दिख रहा होगा। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है बताइए, ये दिन हर साल कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 अक्टूबर होगा, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में नौसेना के अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन 2.0 का शुभारंभ किया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च द नेवीज अपडेटेड इंडिजिनस प्रोग्राम, वो कौन सा प्रोग्राम है, स्वावलंबन 2.0 इन सिटी, आपको बताना कौन से सिटी में किया था। बेसिकली ये सिटी काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में भी है ना, चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैचेस भी हो रहे हैं, और मैचेस हो रहे हैं तो बेचारे जो बाहरी खिलाड़ी हैं, हम लोग तो आदी हैं पॉल्यूशन के, न्यू दिल्ली, हाँ बहुत बढ़िया है ना, तो हम लोग तो आदी हैं तो ठीक है, बाकी तो नई दिल्ली, ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में वन विभाग को छोड़कर भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, तो आपको बताना है, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर अगर ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने वन विभाग को छोड़कर, मतलब वन विभाग में नहीं होगा, बाकी सारी जो भर्तियाँ होंगी महिलाओं की भर्ती के लिए, उसमें 35% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा, किसको, महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, तो बताना है एमपी, नहीं, हमारे यूपी का में क्या, यूपी, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, यूपी, ठीक है रूबी, रूबी सही है, नहीं, एमपी ही है, मैं तो बस चेक कर रहा था कि वो कंफ्यूजन वाली चीज हटी है नहीं हटी है, श्योर हो नहीं श्योर हो, एमपी ही सही है ना। उत्तर प्रदेश में ज्यादा वैसे भी आपको, मतलब देखो ज्यादातर अगर महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जाता, बहुत ज्यादा की चीजें की जाती हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के लिए एमपी, छत्तीसगढ़ हो गया है ना आपका, और जैसे तमिलनाडु वगैरह हो गया, इन सब में मतलब नई नई स्कीम बहुत सारी आती रहती हैं इस टाइप से, ठीक है,
तो क्या होगा, मध्य प्रदेश आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होगी? भोपाल हो जाएगी आपके, इसकी कैपिटल है ना। इसके गवर्नर की अगर आप बात करो तो कौन है, पटेल जी है ना। और अगर आप इसके सीएम की बात करते हैं तो सीएम कौन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहते हैं हमेशा, चौहान साहब। अच्छा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है? अब देखो, यहाँ पर जनजाति की बात आ रही है ना। तो अब कहाँ पर खुलेगा, सिंपल सी बात मुझे आप बताओ कि अगर यहाँ पर किसकी बात हो रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सिंपल सी बात है, ये बताओ मुझे आप, ये फिलहाल जैसे हम जनजाति की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं? तमिलनाडु। अच्छा, तेलंगाना। तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने न्यायिक सेवाओं, अच्छा एक चीज और बता दो आप, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। हालांकि मैं, हालांकि अभी वो क्वेश्चन और भी ज्यादा है। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? बताइए किस राज्य ने ऐसा किया है? अभी यहाँ के जो सीएम साहब थे वो बहुत चर्चा में हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मतलब बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे थे बेचारे, वो मिली जुली पार्टी भी उनकी है, बहुत सारे लोग पार्टी उनकी चलाते हैं, मुझे लग रहा याद होगा आपको है ना, अभी क्योंकि ताज़ा ताज़ा खबर में है वो, बहुत ज़्यादा रहते हैं। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? बताइए, पता है? नहीं, झारखंड नहीं, अभी अभी कहाँ, अभी नीतीश कुमार जी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, नहीं है नीतीश जी बहुत ज़्यादा चर्चा में है? हाँ अरविंद, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ की कैपिटल आपको पता है क्या है, पटना है, और इसके जो सीएम हैं वो नीतीश कुमार जी हैं है ना, और इसके जो गवर्नर हैं वो राजेंद्र जी हैं। हाल ही में मौद्रिक नीति की समिति की घोषणा के अनुसार अक्टूबर 2023 तक रेपो रेट दर क्या है? अक्टूबर 2023 में रेपो रेट दर क्या है? देखो चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। सिक्स पॉइंट फाइव, बहुत बढ़िया अरविंद, 6.5। अच्छा तो आप ये बता दो एसटीएफ कितना है, और एसटीएफ के साथ साथ में आपको एमएसएफ बताना है वो भी कितना है, बैंक रेट कितना है, ठीक है, रिजर्व रेपो रेट कितना है, सीआरआर कितना है और एसएलआर कितना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको चैट बॉक्स में इनका आंसर करना है क्लास एंड होने के बाद में। ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका हो जाएगा जो कि आपको आंसर करना है, ठीक है। पीयू के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए जल्दी से बताएं। कास्ट से रिलेटेड लेक्चर दिया रूबी? नहीं नहीं बेटा, फिर तो आपने देखा नहीं उन्होंने कौन सा लेक्चर दिया है ना। उन्होंने वो फिलहाल अभी बहुत भड़काऊ उन्होंने दे दिया है, काफ़ी जनता नाराज है इस चीज़ से, इन्होंने जो अभी बोला है। दीपक मोहंती? नहीं, अनिर्बान मुखर्जी। अनिर्बान मुखर्जी को सीईओ के रूप में चुना गया, किसके, पेयू के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीदरलैंड में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अपने काम के लिए डच विज्ञान में सर्वोच्च गौरव स्पिनोजा
पुरस्कार किसने प्राप्त किया है बताइए। हाँ अरविंद ने मतलब देखा है वो लेक्चर जो इनका भाषण था वो वाला देखा है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर नीदरलैंड में जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है बहुत बढ़िया अरविंद, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जोईता गुप्ता, आगे बढ़ते हैं। ओजस प्रवीण देवताले अब एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले नागपुर के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने हांगजो में मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। ये किस खेल से संबंधित हैं? आपको ये पता करना है कि ये किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है बताइए भाई किस खेल से संबंधित हैं। और मैं आपको अगर थोड़ा सा हिंट दूं ना तो आज का वो तीसरा आंसर होगा डी। बहुत बढ़िया रूबी, आर्चरी होगा। मेरा क्लू देखने से पहले ही आपने बता दिया। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन में हांगजो में एशियाई खेलों में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है वह किस खेल से संबंधित है? ये मुझे लग रहा है ये रिपीट हो गया है ना, ये मुझे लग रहा है रिपीट हो गया है। चलो कोई नहीं देखते हैं रिपीट हो गया तो आप लोग आंसर करेंगे नहीं करेंगे, कितने लोगों का सही आंसर आता है अभी भी। तीन बार आ चुका है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चीन के हांगजो में एशियाई खेलों में महिलाओं के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? कांस्य पदक किसने जीता है कंपाउंड तीरंदाजी, व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में। ठीक है आपको बताना है ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? डी आदिति स्वामी, बहुत बढ़िया आदिति स्वामी ने। ओके अमन सहरावत ने एशियाई खेलों में 2023 में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के किस वर्ग में भारत को कांस्य पदक जिताया है बताओ। अमन सहरावत ये कहाँ के हैं? अमन सहरावत इंडिया के। एशियाई खेलों में 2023 में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के किस वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है इन्होंने? सी ना ना, इसका आंसर होगा 57 kg। ठीक है 57 kg। भारत के HS प्रणय को हांगझोउ में एशियाई खेलों के पुरुष एकल सेमीफाइनल में चीन के ली शिफेंग के खिलाफ हार के बाद कांस्य पदक मिला, ये किस खेल से संबंधित है आपको ये पता करना है। 48 रूबी का नहीं नहीं बेटा, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा ये किस खेल से संबंधित है? कौन है भारत के HS प्रणय को? ये थोड़ा सा पॉपुलर रह भी रहते हैं ना, ये चर्चा में भी अभी रहे थे। HS प्रणय किसे किससे रिलेटेड है ये किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है क्लियर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्स क्रिकेट टीम हैज वन द सिल्वर मेडल एट द एशियन गेम इन हांगझोउ? आपको बताना है हाँ नहीं देखो आप समझो बात को, आप समझो कि अगर हम इंडिया के क्योंकि हम एग्जाम्स दे रहे हैं इंडिया में है ना, तो इंडिया से रिलेटेड अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा एशियन गेम्स में खासकर अगर मैं गेम्स की बात करूँ तो एशियन गेम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने इतने ज़्यादा ये पदक जीते हैं है ना, स्वर्ण पदक तो मान लो जीते ही जीते हैं लेकिन इतने ज़्यादा पदक है ना, 100 से भी ज़्यादा पदक कितने अच्छा जीते हैं? 100 बताओ सारे लोग कितने जीते हैं? मैंने किसी गेम के 48 जीते, अच्छा है ना, कितने 107 पदक इंडिया ने टोटल जीते है ना, तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। कौन से खेल? बहुत बढ़िया अरविंद 107, नहीं, ये भी याद रहेगा बस थोड़ा सा आपको मतलब इंटरेस्ट लाना पड़ेगा है ना, आपको कुछ ना कुछ उसमें मतलब बैठाना पड़ेगा, उनका सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, मतलब ये हुआ कि आपको उस खेल को और उस व्यक्ति के नाम को रिलेट करना पड़ेगा तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि किस पुरुष
पुरुष क्रिकेट की टीम ने हांगजो में एशियाई खेलों में रजत पदक जीता है? तो ये बहुत अच्छी टीम है। अभी जो वर्ल्ड कप आपका चल रहा है ना, मैं हिंट के लिए आपको बता देता हूँ, जो अभी वर्ल्ड कप आपका चल रहा है इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और ये ऐसी टीम है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था मतलब कि इतना अच्छा ये कर जाएगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, कौन से देश की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पेस की भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी ने एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत का पहला स्वर्ण पदक हासिल करके इतिहास रचा है। द इंडियन मेन्स डबल बैडमिंटन डुओ ऑफ मेड स्पेस मेड हिस्ट्री बाय सिक्योरिंग इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन एशियन गेम। देखो एशियन, हाँ बहुत बढ़िया रूबी एंड अरविंद, एशियन गेम में मतलब बैडमिंटन में युगल जोड़ी में पहली बार स्वर्ण पदक जीता गया है ना, हिस्ट्री रची गई है। तो कौन सी वो जोड़ी है, कौन सी वो युगल जोड़ी है, आपको ये पता करना है। सात्विक एंड चिराग, हाँ बहुत बढ़िया। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी गोल्ड, अब इसमें हाँ ये चलो ठीक है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर वन बाई इंडिया इन 19th एशियन गेम्स? कितने आपको पता करना है? चलो चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो, है ना, और ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि इंडिया ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, आपको ये पता करना है। अरविंद का कहना है 28, प्रीति का कहना है 27। हाँ अरविंद बिल्कुल सही, 28 है ना, 28 गोल्ड मेडल जीते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था, है ना, और देखो ये सेकंड 300 बेस्ट क्वेश्चंस में लेकर के, मैंने कहा था 300 बेस्ट क्वेश्चन में लेकर के आऊँगा, जिसमें से ये आज सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट आपका कल हुआ था। ठीक है, और अगला पार्ट आपका कल होगा। ठीक है, और डेली हम 60 क्वेश्चंस को करते हैं 8, लेकिन आज 50 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो आपके 110 क्वेश्चन हो चुके हैं। इन 110 देखो अक्टूबर से रिलेटेड अगर 110 क्वेश्चंस में से आप कर ले जाते हो, नंबर एक एक इंपॉर्टेंट है ना, तो इनमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, है ना। तो आप ये मान के चलो कि अगर ये अक्टूबर मंथ का ये बेस्ट 300 वाला पार्ट अगर आप कर ले जाते हो, तो कम से कम आपको इसमें से एक से दो क्वेश्चन, है ना, आप मिनिमम आप मान के चलो आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसको ये जो मैंने सीरीज करवाई है, जो मैं करवा रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो एशियन गेम से रिलेटेड हैं, और आप गांठ मान लो कि एशियन गेम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास को, हाँ वो भी करवाएंगे, वो भी करवाएंगे रूबी, अभी ये अभी फिलहाल ये हो रहा है ना, वो भी करवाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया अरविंद, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं, है ना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, है ना, हमें पॉजिटिविटी मिलती रहे, हमें कहीं ना कहीं से पावर मिलती रहे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, और हाँ अगर आप मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट किया है, तो रात में 8 बजे आप नंबर सिस्टम के लिए भी मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, 2 दिन थ्योरी चली है आपकी, आज चलेंगे आपके क्वेश्चंस, तो 8 बजे मिलेंगे रात में, तब तक के अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।